खानकर डोगरा में डीपीओ की खुली कचहरी, आवाम की शिकायत सुनी। गिरफ्तार मुलजिमान से बरामद होने वाले लाखों रुपए मालियत का सामान असल मालकान के हवाले कर दिया। खानकर डोगरा में डीपीओ के जेर तमाम खुली कचहरी का इनकार किया गया। आवाम ने अपनी शिकायत पेश की, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार मुलजिमान से लूटी गई लाखों रुपए नकदी और माल मवेशी बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं मजर इकबाल शिराजी अपनी इस रिपोर्ट में। खानकर डोगरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी की तकरीब के मेहमान खुसी डीपीओ शेखपुरा सरफराज अहमद खान विरक थे। सरफराज अहमद खान विरक जब मुकामी पुलिस स्टेशन पहुंचे तो शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर डीपीओ शेखपुरा ने खिताब करते हुए कहा, पुलिस का असल काम है तो वो जुबान को पकड़े और ना सिर्फ के पकड़े बल्कि उनकी रिकवरीज कराए। यहाँ मुझे खुशी है, मैं आपको ज़रूर बताऊं कि आज वाली रिकवरी के अलावा अब तक हम टोटल 42 करोड़ रुपया लोगों को वापस कर चुके हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि जिला शेखुपुरा किसी दौर में अमन व अमान के हवाले से ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान के बदनाम जिलों में शुमार हुआ करता था, मगर डीपीओ शेखुपुरा की तैनाती से जरायम पेशा अफराद के लिए जमीन तंग हो गई है। चोरी, डकैती, मनुष्यात फरोशी, बत्ताखोरी और अगवा बरातवान जैसी संगीन वारदातों के वाकयात में खातर खा कमी देखने में आई है। तकरीब के अख्तिताम पर डीपीओ शेखुपुरा सरफराज अहमद खान विरक ने मुलजमान से बरामद की गई लाखों रुपए की रकम और चोरी शुदा पैसे असल मालकान के हवाले कर दी। शहरियों ने डीपीओ शेखुपुरा और मुकामी एसएचओ के हक में नारेबाजी भी की। अगर पुलिस इसी तरह अपनी पेशा वराना सलाहियतों के बलबूते पर काम करती रहे तो पूरे मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। मजर इकबाल शराजी, वक्त न्यूज, खानकर डोगरा।